नोट किया। यस सर। ये तो वो आपका कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। एक बार आर्यन आ गए आप? यस सर। यस हाँ, जल्दी से समझ लो बेटा। देखो, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर डिफरेंशिएबिलिटी एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, कंटिन्यूटी में आपको दो चीजों पे काम करना है। एक तो आपको देखना है प्योरली लिमिट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एलएचएल आरएचएल मेथड से किसी भी तरीके से लिमिट सॉल्व करनी। अब अगर लिमिट वैल्यू आ जाती है तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन, जिस पॉइंट पे लिमिट देख रहे हो उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन गिवेन होगा। अगर वो गिवेन है और अगर ये दोनों इक्वल है तो हम सीधा सीधा कह देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी का मतलब होता है देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक और जंप इन द फंक्शन, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस कर्व। शार्प एज वे जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि एकदम से ऐसे जाते जाते ऐसा चला जाए, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट हैज टू बी कंटिन्यूअस इन द सेंस देयर शुड बी नो ब्रेक्स। ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है आपकी, वो इसी बात पर बेस्ड है। पहला टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है जहां पर एलएचएल आरएचएल दोनों इक्वल हो, यहां पर ये दोनों इक्वल है बट वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो प्री डिफाइंड है, तो प्री डिफाइंड है तो उसको सही कर सकते हैं हम, एलएचएल आरएचएल के बराबर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एलएचएल आरएचएल जो होता है ना, सब लोग ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू को ना हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो है सो है। बट जो वैल्यू प्री डिफाइंड है, ये वाली वैल्यू इज प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब क्वेश्चन में गिवेन है आपको, आप ऐसे समझ लो। तो जो प्री डिफाइंड है क्वेश्चन में गिवेन है तो कुछ और भी दे सकते थे, तो ये वाली बात होती है, इसलिए इसको रिमूवेबल बोलते हैं। दूसरा आपका होता है जंप डिसकंटिन्यूटी, जहां एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं है बट दोनों ना फाइनाइट है, क्योंकि जंप फाइनाइट होना चाहिए तो ये दोनों फाइनाइट है। तो ये हो गया आपका दूसरा, सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एंड ऑब्वियसली थर्ड टाइप इज जहां एलएचएल आरएचएल में से कोई एक या दोनों नॉट डिफाइंड हो, मतलब फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो बेसिक कॉमन सेंस की बात। यहां तक समझ में आ गया सबको? जी सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि हम अगर एक इंटरवल में कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल चेक करना, एक इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो देखिए। आपको फंक्शन गिवन होगा, मान लो फंक्शन ऐसे गिवन है ए से बी में, तो सबसे पहली बात ये है कि हमको तीन पार्ट में डिवाइड करना है इसको। ठीक, सबसे पहले आपको चेक करना है एलएचएल, सॉरी ऐसे लिख देता हूं मैं, एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब जहां पर ये स्टार्ट हो रहा है, आरएचएल मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है। सेकेंड, एट एक्स इक्वल टू बी, यानी एंड पॉइंट पे। अब यहां पर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो बोलोगे एलएचएल मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसको बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस अगर ये दोनों बराबर हो, और इसको बोलते हैं लेफ्ट कंटिन्यूअस अगर ये दोनों बराबर हो। ठीक है। और तीसरी चीज आती है, अगर ये दोनों चीजें हो गई तो इसके बाद हम थर्ड चीज देखेंगे जिसको हम बोलेंगे फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी, मतलब ए से बी के इंटरवल में कोई भी इसमें ब्रेक्स या जंप्स नहीं होने चाहिए। फंक्शन हमको देख के समझ में आ जाएगा कि उसका कौन सा पॉइंट उसके डोमेन का पार्ट नहीं है। तो अगर डोमेन का पार्ट, अगर कहीं ऐसा ए से बी के बीच में कोई पॉइंट है जहां जहां जो उसके डोमेन में नहीं है, तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल। समझ में आया? अच्छा, कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि वो जहां पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं, वो अगर हम पूरे रियल नंबर से बात करें तो टैन वैन डिसकंटिन्यूअस होते हैं, बट अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। बॉड ऑलवेज कंटिन्यूअस, लॉग एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए कंटिन्यूअस है,
ठीक है, ये बेसिक चीज है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा तो वो ऐसे स्टेप्स में आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, ऐसा ब्रेक होता है इसमें, ऐसा जंप होता है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। फिर आपके बाद उसके बाद सिग्नम फंक्शन, आपका सिग्नम फंक्शन होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, अगर आपको पता है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर वन होती है या माइनस वन होती है, यहाँ पर जीरो होती है, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एलएचएल आरएचएल मैच नहीं करते। और इसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं। इसका जो जंप वैल्यू है वो जंप वैल्यू है टू यूनिट्स, क्योंकि माइनस वन से प्लस वन जंप कर रहा, ठीक है। इसका हमेशा जो जंप होता है वो एक यूनिट का होता है, ये वाला जो जंप होता है वो एक यूनिट का होता है, हर इंटीजर पे जंप करता है। डिसकंटिन्यूअस एट ऑल जेड, दैट इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एंड दिस इज सिग्नम फंक्शन, दिस इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट एक्स इक्वल टू जीरो, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसके अलावा किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, बाकी सब पॉइंट पे डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये नोट करिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी बता देता हूं। लॉग मॉड ये सब तो याद रखिएगा, सब हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। हो गया भाई? यस सर। डन? डन सर। ठीक है, अब जैसे हमको फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होल स्क्वायर। आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो देखिए ये इसका जो बेसिक लॉजिक है कि इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो हम assume कर लेते हैं at x equal to some k that is an integer, तो LHL बनाओगे तो क्या बनेगा, limit h tending to 0 x h sorry k minus h का whole square minus k minus h का whole square। अब देखो k minus h मतलब greatest integer में ना ऐसे सोचा करो, जैसे k मान लो 2 है और h है 0.01, तो ये हो जाएगा 1.99, तो 1.99 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा बताओ, 4 से थोड़ा सा कम होगा, यानी k स्क्वायर से थोड़ा सा कम होगा, और अगर k स्क्वायर से थोड़ा सा कम होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, है ना। माइनस इसका k माइनस h यानी क्या हुआ, k से थोड़ा कम, तो k से थोड़े कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज k माइनस 1, सो इट इज k माइनस 1 का होल स्क्वायर। So this is actually k square minus 1 minus k square plus 2k minus 1. So k square cancel. This is equal to twice of k minus 1. ये आगे आपका LHL. अब आप इसी तरीके से इसका निकालेंगे RHL. RHL देखेंगे तो क्या आएगा? Limit h tending to 0 k plus h का whole square minus k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल स्क्वायर।
दैट इज वॉट के प्लस एच यानी के से बड़ा, के से बड़े नंबर का स्क्वायर जो होगा वो के के स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो सीधा सीधा के स्क्वायर आएगी, और के प्लस एच अगेन के से थोड़ा बड़ा नंबर तो उसका के आएगा माइनस के स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, सिर्फ एक ही नंबर पे यानी के इक्वल टू वन पे ये दोनों बराबर है, बाकी इसके अलावा कहीं बराबर नहीं है। तो इट इज कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू वन, दैट इज द आंसर। और अगर ये दोनों बराबर होते तब हम एफ ऑफ के बना के देखते, तो एफ ऑफ के अगर हम बना के देखते तो वो भी के स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के का ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर, यानी वो भी जीरो आएगा। इसका मतलब ये राइट कंटिन्यूअस तो है ही फंक्शन हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है, बस लेफ्ट में डिसकंटिन्यूटी है। सर एक बार एलएचएल वापस बता दीजिए। कोई भी एग्जांपल कोई नंबर लेके देख लो ना, देखो अगर मैं मान लो के की जगह 2 लिख देता हूं तो समझना 2 माइनस एच यानी 1.99, उसका स्क्वायर यानी 3.99, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो वो कैसे आया, के स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2 आ जाता तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और ये 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी यहाँ पर 2 होता तो ये 1 आ जाता। तो अब ये इस तरह से अगर हम इसको यहां पर भी देखें तो ये 1 और ये 1 यानी ये मिला के ये 2 हो गया, तो ये आ गया आपका एल एच एल, समझे। कोई नंबर रख के देख लो, ज्यादा आसान हो जाएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हो गया, हो गया भाई। यस सर। हेलो डन सर। ओके, ये तो आपका
क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी में भी आपको एक लिमिट सॉल्व करनी है। हम यहां पर बनाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सॉरी एफ ऑफ एक्स, चलो इसको राइट हैंड कर देता हूं, प्लस एच लिख दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। और दूसरा बनाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये तो बहुत थ्योरेटिकल बात हो गई, मैं आपको इसको करने के अल्टरनेट तरीका भी बता देता हूँ। अगर आप किसी का फंक्शन का ग्राफ देखो, जैसे मॉड का ग्राफ है, तो इसमें आता है शार्प एज, ठीक है। अगर शार्प एज आ जाए या फिर डिसकंटिन्यूटी आ जाए यानी ब्रेक्स, इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सीधा सीधा बोला, पहली बात तो आपको ये देखनी कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, कंटिन्यूस है तो शार्प एज नहीं होना चाहिए, जहां पर शार्प एज होगा वहां पर ये स्लोप बराबर नहीं होगी। इसको करने का एक तरीका और है, अगर आपको मान लो फंक्शन ऐसे दिया है, यहां पे कुछ एक्सप्रेशन है फॉर एक्स लेस देन टू, यहां पे कुछ और एक्सप्रेशन है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, मान लो आपको बोला है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं टू पे रहिए बताओ, आप सीधा क्या करो एफ डैश एक्स बना लो, यानी दोनों को ना इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो और इसमें टू रख के देखो और इसमें टू रख के देखो, अगर दोनों वैल्यूज अलग अलग आती है एफ डैश टू एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आया सर? डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों में टू रखता है? हाँ, क्योंकि टू पे ही देख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। जी सर, वो डायरेक्ट काम कर जाएगा। समझे भैया? सर लेकिन वहां तो x less than 2 है ना बेटा, वो लिमिटिंग वैल्यू करते हैं ना, लेस देन 2 बोलते हैं, बट जब लिखते हैं तो 2 ही लिख के काम चला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब टेंडिंग टू 2 वैसे करते हैं? हाँ, टेंडिंग टू 2 है। अच्छा जी सर, एक बार वो अभी असाइनमेंट खोलिए, इसमें कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस पहले मैं बता रहा हूं, वो ट्राई करिए, फिर उसके बाद एक तो फर्स्ट ही ट्राई करो, सीधा लिमिट का ही क्वेश्चन है वो। इसके बाद आप ट्राई करना क्वेश्चन 7, इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की बात करिए। फिर 8, इलेवेंथ, ये 3-4 क्वेश्चन ट्राई करो। सर 8 के पहले क्या बोला था आपने? 7th, 8th, 11th। ओके सर। तुम लोग पेपर कब है? आर्यन तुम्हारा पेपर कब है?
सर वो बिट चार्ट के लिए कर रहा हूँ, बिट चार्ट तो वो सेवेंथ को है मेरा। अच्छा ठीक है। और ये हर्ष सर मेरा मेंस है 27 अगस्त को, सॉरी जुलाई 27। और अगस्त वाला सर वो बिट्स का है मेरा 8 अगस्त को। पीयूष सर ये मेंस तो 25 को है और बिट्स वाला 8th को है। अच्छा अब है, अब है क्लास में नहीं है सर। अभी जितना पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से एक दो दिन जो भी है अब आपके पास उसमें उसी को ढंग से रिवाइज कर लीजिए, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। और एक बार पेपर दीजिए फिर डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें में दिक्कत आ रही है, क्या पर समझ में नहीं आया, क्या आया नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग अभी से लेकर बिट्स तक का जो टाइम रहेगा उसमें इम्प्रूवमेंट कर, जितना इम्प्रूव कर सकेंगे उतना इम्प्रूव करेंगे।
क्वेश्चन ट्राई करके देखो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो दिक्कत हो रही तो पूछो। सर सेवेंथ वाले में से थोड़ी दिक्कत हो रही है। एक सेकंड बता रहा हूँ। कंटिन्यूस बट नॉट आफ्टर जीरो। डिफरेंशियबल नॉट डिफरेंशियबल नन ऑफ दीज। देखो जीरो के लेफ्ट में तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ सर, तो सी ऑप्शन आंसर होगा क्योंकि कंटिन्यूअस तो है ही नहीं। अगर जीरो पे बोल रहे हैं लोग तो जीरो पे तो एलएचएल आरएचएल बनेगा ही नहीं ना। जीरो पे सिर्फ ये राइट कंटिन्यूअस है, लेफ्ट साइड में नहीं देख सकते क्योंकि सर लेफ्ट साइड में से वो माइनस में चला जाएगा ना उसका, नेगेटिव में चला जाएगा, तो वो जो रूट एक्स वाली टर्म है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। जी सर। आगे करो। ठीक है,
पीयूष क्वेश्चन हो रहे बेटा, आर्यन? यस सर। ये वाले हो जाए तो कुछ और करके देख लो, कोई दिक्कत आए तो पूछ लो।
और एक क्वेश्चंस जैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है आप लोग इसको कंप्लीट करो और कोई दिक्कत आए तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर कुछ आगे का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ठीक है जी सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।